एबीपी गंगा यूपी उत्तराखंड के दर्शकों की पहली पसंद, एक बार फिर नंबर वन। दर्शकों के प्यार के लिए आभार। इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग में भी पहले स्थान पर एबीपी गंगा। विधायक दल के नेता चुने गए योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का सुरेश खन्ना ने रखा प्रस्ताव। योगी को चुना गया विधायक दल का नेता, लगातार दूसरी बार बने यूपी के मुख्यमंत्री। यूपी की दोबारा मिली कमान। सर्वसम्मति से योगी के नाम पर लगी मुहर। अमित शाह ने किया योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। अमित शाह ने योगी को पहनाया पटका। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह ने बुके देकर योगी को दी शुभकामनाएं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मंच से सीएम योगी ने जताया आभार। कहा, सत्ता में रहकर मालिक बनकर नहीं सेवक बनकर करना होगा काम। नहीं चलेगी वंशवाद जातिवाद की राजनीति। पीएम मोदी से सीखा सुशासन का मंत्र। और मैं इसको पूरी मजबूती, मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझे मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करें। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के आम जन तक गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंचाई हैं। साथ सबका विश्व, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देने के लिए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और यशस्वी नेतृत्व की वजह से यह संभव हो पाया। उत्तर माताएं बहने हो, बेटियां हो, या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, 2014 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक संगठन की मजबूत नींव रखी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में व्यापक दौरे किए, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत होकर आई है।